सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज अभय। तो यार मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर का कमेंट आया, मेरे विकास सोनी जी का कमेंट आया कि इस शेयर पर वीडियो बना दो, भरत इम्यूनोलॉजिकल पर वीडियो बना दो। तो बिल्कुल बनाएंगे यार, यहाँ से तो आप कमेंट करोगे यहाँ से वीडियो निकलेगी, यहाँ से आप कमेंट करोगे यहाँ से वीडियो निकलेगी। राहुल गांधी ने भी यही कहा था कि यहाँ से आलू डालोगे वहां से सोना निकलेगा, लेकिन उन्होंने पूरा नहीं किया भाई। लेकिन तुम्हारा भाई पूरा कर रहा है ना यार, यहाँ से तुम कमेंट करो यहाँ से हम वीडियो निकालेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक कहानी सुनाने वाला हूँ। देखो होता क्या है, मान लो कि तुम्हारी एक किराने की शॉप है, ठीक है? तो क्या होता है, तुम बल्क में सामान खरीद रहे हो, क्या तुम बेकार सामान खरीदोगे? सोच के देखो, तुम अच्छा सामान खरीदोगे और तुम वो सामान खरीदोगे जो लोग मांग रहे हैं अधिकतर, या जिसकी सप्लाइंग बढ़ने वाली है, जिसकी प्राइस बढ़ने वाली है, समझ रहे हो? जो तुम्हें कम प्राइस में मिल रहा है और तुम अच्छी प्राइस में बेच सकते हो इसको, अगर तुम्हें कम प्राइस पे वो अवेलेबल है सामान, या कोई साबुन है, सोप है ना, समझ रहे हो? कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है कि जो तुम्हें कम प्राइस में मिल रहा है और तुम्हें पता है इसकी डिमांड बढ़ने वाली है और तुम उसको खरीद लोगे, या तुम उसके अच्छे प्राइस पर बेच सकते हो तो तुम उसे खरीद लोगे। लेकिन तुम क्या करोगे, अच्छा सामान खरीदोगे, क्वालिटी देखोगे तुम उससे, उस चीज़ की। तो वही ऐसे ही हमें शेयर मार्केट में फंडामेंटल देखना बहुत ज़रूरी है, तो वही हम देख रहे हैं, ठीक है? तो देखते हैं इसको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, बिल्कुल देखते हैं। चलो तो इसमें होप कर रहा हूँ अभी वीडियो को आप लाइक कर रहे हो, क्योंकि यार देखो सुबह सुबह देखो 6 घंटे पहले कमेंट आया, मैं वीडियो बना रहा हूँ, सुबह उठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन भाई भी मैं देखना, रात को 3 बजे भाई ने वीडियो देखा है, 6 घंटे पहले कमेंट आया, मैं 9 बजे वीडियो बना रहा हूँ, भाई ने 3 बजे वीडियो देखा है, तो भाई ने किस शिद्दत से वीडियो देखा है उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आ जाते हैं भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड पे। तो चलो सबसे पहले आ जाते हैं, 2500 रुपये का शेयर है, नो डाउट। मार्केट कैप 112 करोड़ की है, लेकिन अपन आरओसी की बात करें तो -6.67% है। आरओसी क्या होता है, लोन का जो पैसा है और इन्वेस्टर्स का जो पैसा है उससे जो रिटर्न आता है, उससे ये रिटर्न कमाते हैं वो होता है। तो इनका लोन का जो लोन है, जो लोन ले रखा है और जो अपना पैसा है शेयर होल्डर्स का, तो उससे रिटर्न कितना कमा रहे हैं, -6%। मतलब लॉस मेकिंग कंपनी है बाबा, लॉस मेकिंग कंपनी। सो बाय बी इन्वेस्ट, सबसे पहले क्वेश्चन उठता है। तो भाई देखा तुमने, क्यों हम इन्वेस्ट करें? अभी इतना है, पहले इतना शेयर हो गया था, 55 पे गया था, 60 पे गया था, इसलिए इन्वेस्ट करें? अरे भाई ये ऑपरेटर्स भी गेम होता है। चलो ठीक है, आ गया, नीचे आते हैं। एक भी प्रॉज नहीं, कॉन्स बिल्कुल भरे 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 हैं, मतलब बुराइयां है इसमें भरी भरी पड़ी हैं। चलो आते हैं फिर, और आगे आते हैं फिर भी अपन देखते हैं। तो सेल्स देखते हैं, तो सेल्स हो रखी हैं, लेकिन अभी अपन क्वार्टर्स का नहीं देखेंगे, अपन ईयर ऑन बेसिस देखेंगे। तो ईयर ऑन बेसिस सेल्स हो रही हैं, लेकिन 2013-14-15 में ज़्यादा हो रही थी, 16-17 में, लेकिन उसके बेसिस पे कोविड के बाद तो इधर बहुत सेल्स कम, 2018 में ही कम हो गई थी, ठीक है? तो सेल्स तो बहुत कम है, उसके बाद सेल्स ही नहीं हो रही हैं। अब हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट घटता ही जा रहा है, मतलब माइनस। देखो मैं बता देता हूँ, जब तक नेट प्रॉफिट करोड्स में नहीं है, मतलब करोड्स में तो है ही है, -10 करोड़, -24 करोड़, 100 करोड्स में नहीं है, मतलब 0 लगने चाहिए यार, 100 करोड़ में तक नहीं है, जब तक कंपनी क्या है धंधा बनाना नहीं जानती है, तो हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे बेसिकली। बस जब तक इसमें नेट प्रॉफिट नहीं दिखाई देगा तब तक हम इसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, चाहे क्वार्टर बेसिस हो, चाहे उसमें बेसिस हो, कोई सा बेसिस हो, चाहे ईयर ईयर बेसिस हो, ठीक है? और अगर हम बात करें प्रोमोटर्स की, तो प्रोमोटर्स में कौन है, सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, बस उन्हीं के पास पूरी होल्डिंग है इस शेयर की। और अगर हम बात, और उन्होंने निकाल दी तो कभी, अरे नहीं बिल्कुल हम इस शेयर को नहीं लेंगे, पैनी स्टॉक है, पैनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने पे क्या होता है तुम्हें पता है, पैनी शेयर हमें नहीं लेना चाहिए, पहली बात तो ये है। जैसा कि मैंने फिर बोला, हम अच्छा सामान उठाएंगे ना किराने की शॉप में, वही अच्छा सामान देखो, अच्छा सामान बिल्कुल छाटो स्टॉक मार्केट में, मेरी हेल्प करेंगे आपको, वीडियोस देखा करो, ठीक है? DIs में कोई नहीं है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी ने किया भी नहीं है, पब्लिक में, पब्लिक होल्डिंग होगी, लेकिन पब्लिक में अपन जैसे लोग आ जाते हैं, लेकिन ठीक है। तो मैंने, मेरा रिव्यू क्या है, इस शेयर को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और कभी ये बढ़ता भी है, मतलब बढ़ भी जाता है, तो यार ऑपरेटर्स का गेम होगा, और मान लो इस कंपनी में इंप्रूवमेंट आता है तो हम तब देखेंगे, तब बाद में देखेंगे 3-4 साल बाद इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो दिखना ज़रूरी है, मतलब ये दिखना ज़रूरी है, अगर हमारी किराने की शॉप है तो इस चीज़ की नीड बढ़ने वाली है, ये भी तो दिखना ज़रूरी है, ये भी नहीं दिख रहा है हमें, तो यार धंधा सोच समझ के करो बिल्कुल। इसमें भी मतलब टॉप कंपनी है, देखो लॉरस लैब्स इसकी कॉम्पिटिटर है, तो फार्मा में भी टॉप कंपनी है, उधर देखो यार वो भी शेयर, उसमें ज़्यादा ग्रोथ दिख जाएगी आपको, उसका ROCE 23% है, 29% है, जो अच्छी कंपनी कर रही है उनमें, उनका उनमें इन्वेस्ट करो,
और इस कंपनी में बिल्कुल इन्वेस्ट मत करो, मैं तो मना करूंगा, और बाकी आपकी मर्जी। तब तक के लिए हम मिल रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई डाउट लगता है इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कोई भी कंपनी हो, आप कमेंट करके मुझे बिल्कुल बताइए। कमेंट करके एक बार मेरा सजेशन ले लिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।